हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड इंग्लिश क्लासेस। दिस इज जे एस कुंदन सिंघानिया। आज हम लोग इंग्लिश बुक का एक स्टोरी पढ़ेंगे। ट्वेल्थ क्लास के इंग्लिश बुक का एक स्टोरी है, द आर्टिस्ट या दी आर्टिस्ट। कुछ लोग इसको दा पढ़ते हैं, कुछ लोग दी पढ़ते हैं। आखिर क्या सच होता है, मतलब आखिर क्या शुद्ध होता है, क्या इसमें पढ़ना चाहिए दी पढ़ना चाहिए या दा पढ़ना चाहिए। तो इसको जरा समझते हैं, जरा एक एग्जांपल से। जैसे लिखा हुआ यहाँ टी एच ई ई ए आर टी एच अर्थ, फिर लिखा हुआ टी एच ई एस यू एन सन। कुछ लोग इसको दी अर्थ पढ़ते हैं, कुछ लोग दा अर्थ पढ़ते हैं। आखिर क्या पढ़ना चाहिए, तो याद रखेंगे आज के बाद कभी ये कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर टी एच ई रहेगा तो टी एच ई के बाद देखना है हमेशा। अगर टी एच ई के बाद पहला अक्षर अगर भोवेल रहेगा, भोवेल का मतलब क्या होता है ये तो आप समझते ही होंगे, ए ई आई ओ यू। अगर ये रहेगा टी एच ई के बाद हमेशा, अगर पहला अक्षर जब भी देखेंगे तो पहला अक्षर, अगर टी एच ई के बाद पहला अक्षर भोवेल रहेगा तब उसको हम पढ़ेंगे दी। क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, दी अर्थ। अगर टी एच ई के बाद पहला अक्षर भोवेल नहीं है, जैसे एस लिखा हुआ है यहाँ, तो एस तो भोवेल नहीं है। जब भोवेल नहीं रहेगा तब उसको हम दा पढ़ते हैं। तो अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि दा कब पढ़ते हैं, दी कब पढ़ते हैं। टी एच ई के बाद पहला अक्षर ई है, ई यानी भोवेल, भोवेल इस लेकर इसको पढ़ेंगे दी, तो क्या हो जाएगा, दी अर्थ। और टी एच ई के बाद पहला अक्षर एस है, एस चूंकि भोवेल नहीं है इसलिए करके इसको पढ़ेंगे दा, तो दा सन हो गया। उसी तरीके से अब इस चैप्टर का नाम तो आसानी से इसको पढ़ सकते होंगे कि ये दा आर्टिस्ट है या दी आर्टिस्ट है। तो टी एच ई के बाद पहला अक्षर ए लिखा हुआ है, ए जो होता है वो क्या होता है, भोवेल होता है, और भोवेल है तो क्या होगा, दी आर्टिस्ट। तो दी आर्टिस्ट हो गया। दी आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। अब कलाकार कहते किसको हैं, कलाकार आखिर होता क्या है, किसको कहते हैं कलाकार। सपोज दैट एक कुम्हार है, अगर वो घड़ा मिट्टी का बना रहा हो या दीप बना रहा हो, है ना, ये सब जो बनाते हैं वो एक कला है, ये सब लोग नहीं बना पाते हैं। जैसे एक चित्रकार होते हैं, चित्र पेंटर, पेंटिंग करने वाले, वो पेंटिंग करना सबके बस की बात नहीं होती, वो भी एक कला है। बहुत सारे स्केचर होते हैं जो स्केच बनाते हैं, वो व्यक्ति को देख करके हूबहू वैसे ही स्केच बना देते हैं, तो वो भी एक क्या है, कला है, आर्ट है। डांस करना ये भी एक कला है, ये सब लोग नहीं कर पाते हैं बिल्कुल, कुछ इसमें किसी में खास गुण होता है वो करने का। अब जैसे कि क्रिकेट खेलना वो भी एक कला है, वो सबको नहीं आता। फुटबॉल खेलना ये भी एक कला है। तो जादू जो देखते हैं वो एक्चुअली वो जादू होता नहीं, वो भी एक कला होता है। तो ये सभी, इन सभी चीज़ों को, भिन्न भिन्न काम को जो करने में एक्सपर्ट होते हैं, वो काम जो करते हैं, जो कला इन सब ये कला करते हैं, उसको कहा जाता है कलाकार। यानी जो मिट्टी बनाने वाले लोग, कुम्हार जो होते हैं, वो एक कलाकार हो गए, कलाकार कहे जाते हैं। ऐसा नहीं कि कलाकार का मतलब सिर्फ एक्टिंग करने वाले या डांस करने वाले, ऐसा नहीं है। जिनमें विशेष तरीके का गुण हो किसी चीज़ को करने का, वो एक क्या है, कलाकार है, जो सब लोग नहीं कर पाते आसानी से। तो दी आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। और ये एक शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी का मतलब क्या होता है, तो शॉर्ट मतलब होता है लघु, और स्टोरी का मतलब होता है कहानी। तो लघु कहानी यानी संक्षिप्त में छोटा कहानी, लघु का मतलब होता है छोटा, स्टोरी मतलब कहानी, यानी जो कहानी छोटा हो वही शॉर्ट स्टोरी कहलाएगा। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी एक इस तरीके से दे दिया जाएगा क्वेश्चन कि दी आर्टिस्ट इज अ डैश, दी आर्टिस्ट जो है वो क्या है। चार ऑप्शन रहेगा, शॉर्ट स्टोरी, स्टोरी, एसे, इस तरीके से ऑप्शन चार रहेगा। तो ये क्या चीज है, दी आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है। आज हम इसके राइटर के बारे जरा डिटेल से समझेंगे। इनके राइटर हैं सिगा नाओया। सिगा नाओया, देखिए मैं हिंदी में भी इसको लिख दिया हूँ, सिगा नाओया। इनका जन्म जो है, बर्थ इनका जो है 1883 हुआ था। इसको इंग्लिश में ऐसे पढ़ते हैं, जैसे 1883 हिंदी में पढ़ते हैं, तो आधा आधा कर, हाफ हाफ करके 1883 इनका बर्थ है। और इनका डेथ है 1971, इनका डेथ हो गया।
अब आगे इनके बारे जानते हैं जरा, इस राइटर के बारे में। ही वॉज अ जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 20th century। हिंदी करना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। जब भी हिंदी करेंगे तो पहले सब्जेक्ट का हिंदी कर देंगे, ही का मतलब हो गया हुआ। उसके बाद जब भी हिंदी करेंगे तो प्रीपोजिशन के बाद से, तो इसमें प्रीपोजिशन क्या है, ऑफ, तो ऑफ के बाद से करेंगे। वह 20वीं शताब्दी के एक जैपनीज का मतलब होता है जापानी, जैपनीज लघु कहानीकार थे। अगर एक लाइन में ऐसे बोल सकते हैं, एक बार फिर से देखेंगे जरा। वह प्रीपोजिशन के बाद से हिंदी करेंगे तो वह 20th का मतलब होता है 20वीं सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी। ये 20वीं शताब्दी क्या होता है आगे मैं डिटेल्स में इसको बताऊंगा। वह 20वीं शताब्दी के एक जैपनीज लघु कहानीकार थे। इससे ये तो आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ के थे राइटर, ये जापान के थे। जैसे इंडिया में जो रहते हैं उसको इंडियन कहते हैं, अमेरिका में रहते हैं जो रहते हैं उसको अमेरिकन कहा जाता है, जर्मनी में जो रहते हैं उसको जर्मन कहा जाता है, उसी तरीके से जो जापान में रहते हैं उनको जैपनीज कहा जाता है। तो ये मूल निवासी थे जापान के ही रहने वाले थे। तो कहा जब पूछा जा सकता है सिगा नोया वाज अ डैश राइटर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ऑप्शन में रहेगा सिगा नोया वाज अ डैश राइटर, जैसे सिगा नोया जो है वो कैसे राइटर थे, इंडियन, ऑप्शन में दे दिया जाएगा इंडियन, अमेरिकन, जर्मन, जैपनीज, इस तरीके से। तो ये कौन से राइटर हैं, जैपनीज राइटर हैं, इनको याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा हम लोग को। अच्छा, आगे समझने से पहले थोड़ा कुछ वर्ड मीनिंग के बारे जान लेते हैं कि आखिर ये सब, जैसे कि यहाँ 20th का मतलब 20वीं होता है, सेंचुरी का मतलब शताब्दी होता है, ये क्या क्या है थोड़ा समझते हैं। ये राइटर से रिलेटेड वर्ड मीनिंग है, इसको ध्यान रखेंगे। शॉर्ट स्टोरी, यहाँ देखिए मैं ऐसे लिख, इसको कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उच्चारण, इसका जो है प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी का हिंदी होता है लघु कहानी, यानी छोटा कहानी। 20th, देखिए वही लिखे हैं 20th का मतलब होता है 20वीं। सेंचुरी का मतलब होता है, सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी या सदी बोलते हैं, शताब्दी। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, सौ, सेंचुरी का मतलब सौ होता है, यानी 100 वर्ष बोल सकते हैं सेंचुरी को। सेंसिटिवली, यहाँ हिंदी में मैं लिख दिया हूँ सेंसिटिवली, सेंसिटिवली मतलब मार्मिक रूप से या भावुक रूप से। अगला है कल्चर, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। अनफर्ल, यहाँ मैं लिख दिया प्रोनाउंसिएशन अनफर्ल का मतलब होता है खोलना या सामने रखना। सोज का मतलब होता है दर्शाता है या दर्शाती है बोल सकते हैं। अडल्ट, ऐसे एडल्ट भी इसको बोल, प्रोनाउंसिएशन जो है एडल्ट भी बोल देते हैं, बट ये शुद्ध जो होता है वो अडल्ट होता है। अडल्ट का मतलब क्या होता है, व्यस्क या प्रौढ़। ये व्यस्क का मतलब क्या होता है या प्रौढ़ का मतलब, जिसको कि हम अगर समझाने के लिए आपको मैं बता सकता हूँ, इसको बोल सकते हैं लोग बालिग। बालिग मतलब क्या, 18 वर्ष से जितने भी, जैसे जो लड़की होती है वो 18 वर्ष से जो भी जो 18 वर्ष से ज़्यादा होती है उसको क्या, बालिग बोला जा सकता है, अब बोला जाता है। और जो लड़के होते हैं वो 21 साल से जो बड़े होते हैं वो भी बालिग कहलाते हैं। तो एडल्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, एडल्ट का मतलब व्यस्क या प्रौढ़ होता है, यानी कि लड़का में 21 साल से ज़्यादा का उम्र का व्यक्ति और लड़की में 18 साल से ज़्यादा का, बोल सकते हैं बालिग भी इसको बोला जाता है। अगला है काउच, काउच का मतलब होता है कारण। डैमेज का मतलब होता है क्षति पहुँचाना। सच का मतलब होता है ऐसा। टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा। इसको अच्छी तरीके से इसको आप याद रखेंगे फिर इनको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं, दी आर्टिस्ट के राइटर जो है वो सिगा नोया है और इनका बर्थ जो हुआ था 1883 में और डेथ 1971 में। और ये जो है एक शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी क्या होता है समझ गए होंगे, दी आर्टिस्ट जो है शॉर्ट स्टोरी है। और ये जैपनीज राइटर थे, जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, जैपनीज राइटर हैं।
आगे कहते हैं ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर. वह अपने लोगों और अपनी संस्कृति, वह अपने लोगों और अपनी संस्कृति के बारे में बहुत ही मार्मिक या भावुक तरीके से लिखे, तो या लिखते थे बोल सकते हैं. यानी ये जो जैपनीज राइटर जो थे सिगा नोया जी, वह अपने लोगों के बारे में और अपनी संस्कृति के बारे में बहुत ही मार्मिक, बहुत ही भावुक तरीके से वो लिखते थे. आगे कहते हैं द आर्टिस्ट जो ये कहा, ये शॉर्ट स्टोरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, द आर्टिस्ट अनफॉल्स, आखिर ये किसके बारे लिखा गया द आर्टिस्ट. तो द आर्टिस्ट अनफॉल्स बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ अ टैलेंटेड जैपनीज बॉय सीबी. द आर्टिस्ट, देखिए हिंदी करने के लिए मैं बताया हूं आपको, प्रीपोजिशन के बाद से बोल सकते हैं. द आर्टिस्ट एक टैलेंटेड मतलब प्रतिभाशाली जैपनीज लड़का सीबी के बारे में हम लोग के सामने हम लोग के सामने अनफर्ल का मतलब होता है खोलना या व्यक्त करना. तो ये द आर्टिस्ट जो है वो एक किसके बारे है, तो एक जैपनीज लड़का है, यानी कि जापान में रहने वाला एक लड़का का कहानी है जिसका नाम है सीबी. क्या नाम है इसका? सीबी नाम है. ये एक दी आर्टिस्ट जो है एक जैपनीज लड़का सीबी का के बारे कहानी है, जो कि एक टैलेंटेड जैपनीज बॉय है और उसकी दुनिया, यानी इसकी दुनिया, इस बच्चे की जो दुनिया है उसके बारे हम लोग के सामने, बिफोर मतलब सामने बोल सकते हैं, हम लोग के सामने अनफर मतलब व्यक्त करता है. यानी दी आर्टिस्ट जो कहानी है ये किसके बारे है, तो जापान के एक प्रतिभाशाली लड़के की दुनिया की, यानी वो अपनी दुनिया में मग्न है, उसकी दुनिया, वो टैलेंटेड प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है सीबी, उसकी दुनिया के बारे वो इस कहानी में बताया गया है. आगे कहते हैं It shows how the adult world often causes damage to such talents. इस लाइन को हिंदी करने से पहले थोड़ा एक चीज समझते हैं जरा. आज बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारत का नाम जो है बहुत ही ऊंचाई पे ले गए हैं, है ना, भारत का नाम रोशन किए हैं अलग अलग क्षेत्रों में. जैसे कि अगर बोला जाए लता मंगेशकर जी, ये एक बहुत बड़े सिंगर हैं जो कि भारत का नाम बहुत ही रोशन किए हैं. दूसरे बहुत सारे लोग हैं, सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट से संबंधित है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संबंधित है, है ना, और बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से हैं, जैसे द ग्रेट कली वो रेसलिंग से संबंधित हैं और कुश्ती से संबंधित बहुत ही फेमस गर्ल्स हैं, बबीता फोगाट और गीता फोगाट के बारे आप नाम सुने होंगे उनका, वो है. तो ये सभी कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये सभी जो व्यक्ति हैं, अगर इनके माँ बाप, आसपास के लोग, पड़ोसी, शिक्षक जो भी हैं, अगर इनको ये करने से मना कर करते हैं, तो क्या ये आज यहाँ तक पहुँच पाते? बिल्कुल नहीं पहुँच पाते. अगर जो भी व्यक्ति है, जैसे सचिन तेंदुलकर जी जो है वो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, अगर उनको इसमें इंटरेस्ट था, अगर उनको ये मना कर दिया जाता खेलने से, ये नहीं कर सकते. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट होते हैं, वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन घर वाले जो है उनको क्या करते हैं, बहुत ही प्रेशर देते हैं कि ये क्रिकेट क्या खेलता है, इसमें जो लाइफ नहीं है, पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो. बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये नहीं जानना चाहते हैं कि वो उनका टैलेंट क्या है, उस बच्चे का टैलेंट किस चीज़ में है, वो जाने बगैर वो उनका मन किस में बच्चे को उसमें धकेलते हैं, जो कि वो अच्छी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाते हैं. तो इसमें भी ऐसा ही एक कहानी है, एक जापान के एक लड़के की है जिसका नाम सीबी है, एक टैलेंटेड बॉय है. उनका टैलेंट जो किसी और चीज़ में है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में डिटेल्स इस कहानी को. फिलहाल थोड़ा सा संक्षेप में समझते हैं कि ये सीबी जो है एक जैपनीज बॉय जो है वो एक बहुत ही टैलेंटेड बॉय है, लेकिन
माता पिता और शिक्षकों के द्वारा, दूसरों के द्वारा, जो एडल्ट लोग जो होते हैं, है ना, जो बड़े लोग जो होते हैं, उनके द्वारा उनके टैलेंट को कुचल दिया जाता है, जिसके कारण वो उस फील्ड में वो कुछ नहीं कर पाता है। इसी का कहानी है इस चैप्टर में। तो जैसा कि मैं एग्जांपल बताया था, अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर उस क्षेत्र में अगर काम नहीं किया जाता, करने दिया जाता, तो वो उतना सक्सेस बिल्कुल नहीं हो पाते हैं। चाहे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको एक्टिंग में बहुत ही इंटरेस्ट रहता है, अगर वो उनको फैमिली वाले ना करने थे तो ये क्या होगा, उनका टैलेंट को कुचल दिया जाएगा, यानी कि वो आगे नहीं कर पाएंगे। जिस काम में इंटरेस्ट ही ना हो, जिस काम में मन ही ना लगे करने में, वो काम ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता। कोई सा भी काम हो, कोई सा भी क्षेत्र हो जिसमें आपका मन लगता हो, अगर उसमें आप शिद्दत के साथ काम करेंगे तो जो सफलता है वो बहुत 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 ऊंचाई तक सफलता मिलती है। तो इसमें जरा देखते हैं लास्ट लाइन क्या कहते हैं। इट शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉजेज डैमेज टू सच टैलेंट्स। यह दर्शाता है, ये कहानी जो है वो दर्शाता है, क्या दर्शाता है, हाउ द एडल्ट, कि कैसे एडल्ट यानी व्यस्क जो है, एडल्ट वर्ल्ड यानी व्यस्क की जो दुनिया आती है, यानी कि व्यस्क लोग जो होते हैं, ऑफन प्राय काउज डैमेज, कारण बन जाते हैं किस चीज का, तो डैमेज करने का, उसको क्षति पहुंचाने का। क्या चीज का क्षति पहुंचाने का, तो सच टैलेंट्स यानी प्रतिभा को, ऐसे प्रतिभाओं को डैमेज करने का, क्षति पहुंचाने का वो कारण बन जाते हैं, वो बड़े लोग व्यस्क लोग हो जाते हैं। वो छोटे बच्चे की प्रतिभा को समझ नहीं पाते हैं और उनके टैलेंट को कुचल दिया जाता है, ऐसे किया जाता है। तो इस शॉर्ट संक्षेप में अगर कहा जाए तो द आर्टिस्ट जो है, ये शॉर्ट स्टोरी दी आर्टिस्ट जो है शॉर्ट स्टोरी, इसमें ये दिखाया गया है कि सीवी नाम का एक जैपनीज बॉय है जो कि एक टैलेंटेड बॉय है, लेकिन उसकी प्रतिभा को, उनके टैलेंट को नहीं समझा जाता है एडल्ट लोगों के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा, जैसे उसके माता पिता हैं, शिक्षक हैं, नहीं समझा जाता है उनके टैलेंट को और उसके टैलेंट को कुचल दिया जाता है। इसमें यही पढ़ना है। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको अपलोड करूँगा बिल्कुल डिटेल्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। जय हिंद।